सो व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर एंड अ फ्रेश व्लॉग। और ये है थर्ड पार्ट अमृतसर का, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो टोटल बजट पड़ा है और कितना कम से कम खर्चा हम कर सकते हैं। बट अब तक आपने दोनों पार्ट्स में ये देखा कि हम यहाँ पर आए, हमने पेटीएम से टिकट बुक कराई थी, सेकेंड सिटिंग शाने पंजाब से 180 रुपीज़ की हमने यहाँ पर आके पग पहनी, जिसका रेंट था 100 रुपीज़। और मेनली सारी चीज़ें मैंने पार्ट वन और पार्ट टू में कवर कर रखी है। अब इसको देखो ढंग से और मैं आपको बताऊँगा पूरा खर्चा क्या पड़ा, पर वो बताऊँगा एंड में। तब तक आप व्लॉग देखो। अब थोड़ी मिठाई लेते हैं, बेसन की बर्फी और वो मलाई वाली बर्फी लेके घर जाते हैं, आधा किलो वो, एक किलो ये। अभी रात के बज रहे हैं कुछ 11:30 और हम वापस अपने होटल आ गए हैं। अभी भी हेरिटेज स्ट्रीट पे भीड़ देखो कितनी है, अभी पूरी भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है। वहाँ तो अभी गोल्डन टेम्पल है तो वहाँ तो बहुत भीड़ होगी अभी, तो यहाँ पर भी आप देखो पहले से कम है बट अभी भी काफ़ी है भीड़। अभी यहाँ से एक मिठाई वगैरह खरीदी है हमने, बेसन की बर्फ़ी, मलाई की बर्फ़ी, ये सब चीज़ें खरीदी हैं और टोटल मिला के खर्चा अराउंड 2000 के करीब बैठा है पूरा ट्रिप। और वो कैसे बैठा है मैं आपको बताया था, अराउंड 475 की हमारी आने जाने की टिकट्स थी, एक चेयर कार थी स्टार्टिंग की, आते हुए मतलब जो कल हम जाएंगे अब वो हमारी स्लीपर होगी, और उसके अलावा 1600 रुपये का हमारा एक दिन का कमरा था। और तो हम चार जने थे तो 400 रुपये वो बढ़ गया, और उसके बाद फिर खाने पीने का सब कुछ बंटवारा हो गया, तो यहाँ पे काफ़ी सस्ता है। और अगर आपके पास पैसे ना भी हो तो गुरुद्वारा तो है ही यहाँ पर, वैसे भी आप रह भी सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन में आज देख कर आया था यहाँ पर। The next day. तो गुड मॉर्निंग, अगले दिन भी हम गोल्डन टेम्पल आए हैं सुबह सुबह, और अभी भीड़ देखो यार कितनी ज़्यादा है, अभी बहुत लंबी लाइन में आपको दिखाऊंगा पास से भी। तो बाकी ये ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया पूरा, घर के लिए निकलेंगे अपने। बढ़िया रहा यार, मनाली वाला ट्रिप भी अपना बढ़िया रहा था और ये वाला ट्रिप भी अपना नंबर वन बढ़िया। और ये दो भाई आगे चल रहे हैं अपने, वो देखो अगर लाइन तो कल से ज़्यादा लाइन है, आज संडे है क्योंकि, तो आज ज़्यादा भीड़ है, हमें वहाँ पे रोका था, यहीं से लाइन रोकी हुई है। बाकी अब थोड़े थोड़े बादल भी आ रहे हैं और अपने 10:55 की वापसी भी है ट्रेन वापस दिल्ली की। देखो मैंने आपको बताया था ना सारे पैटर्न वगैरह सारे सेम है यहाँ पे, मतलब एक ही डिज़ाइन की सारी शॉप से। डोमिनोज देखो, डोमिनोज भी ऐसा है, ये ब्रदर अमृतसरी ढाबा, ये बहुत फेमस ढाबा है ये भी। और मैंने अभी ये वाला कड़ा लिया है, तो ये जो मोटे वाला कड़ा है ना ये 180 रुपये का है, 100 रुपये का। अगर आप लोगों ने अटारी जाना है वो देखो वहाँ पे वो बैठे होते हैं, आप लोगों को वाघा बॉर्डर लेके चल जाएंगे सीधा। हम लोग अभी वाघा बॉर्डर नहीं जा रहे क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू है, बट अटारी जाना है तो आप लोग ये वाली बस से भी जा सकते हैं, नहीं तो अगर आप स्टेशन पे आएंगे, रेलवे स्टेशन पे आएंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे अटारी चलो अटारी चलो, तो आप अच्छे प्राइस में जो आपको सस्ता लेके जाए तो वहाँ से जा सकते हो। बट ट्राई ये करना कभी भी होटल लो तो हेरिटेज रोड पर लो, क्योंकि हमारे होटल से जलियावाला बाग 1 मिनट की दूरी पर, गोल्डन टेम्पल 1 मिनट की दूरी पर, और बाकी हेरिटेज रोड पर तो है ही, तो अच्छा हो जाता है, मतलब ऑटो का किराया नहीं कुछ नहीं, थोड़ा बढ़िया बन जाता है मामला। ये आपको लेके जाएंगे 400 रुपये पर बंदे में, 400 रुपये होंगे जो दुर्गियाना मंदिर है यहाँ पर एक, और जो जो स्पेशलिटी है यहाँ पर बंदा 400 रुपये में, और एक गाइड भी साथ में होगा आपके, तो वो वाली बस में आपको लेके जाएंगे, ये वाली बस में लेके जाएंगे यहाँ पे दुर्गियाना मंदिर है, वाघा बॉर्डर है, 400 रुपये पर पर्सन। और वहाँ से कहीं से मैकडी से बर्गर वगैरह ले लेंगे थोड़ा, क्योंकि 10:55 की ट्रेन है तो अपना 10 बजे मतलब 10:15 बजे तक स्टेशन पहुँचेंगे, यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे तो स्टेशन, तो देखते हैं। मैकडी भी आपको दिखाता हूँ, ये देखो सारे बिल्कुल एक ही डिज़ाइन में है, कैनरा बैंक, केसरी रेस्टोरेंट वगैरह सारे कट। मेरे को तो पता नहीं था भाई, अभी सूरज भाई ने मेरे को बताया कि ये जो मतलब जो बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑलमोस्ट सारे सेम है, तो मतलब वो इसलिए है क्योंकि जलियावाला बाग में जो हुआ था तो यहाँ पे कोई भी रंगीन बोर्ड नहीं लगा था, कलर वाले नहीं लगा था, सारे रेड लगाते हैं ना, रेड ज़्यादातर रेड रहेंगे,
रेड मतलब जो मैंने आपको दिखाया है मैकडॉनल्ड का सबका देख लो, नीचे रेड रहेगा ऊपर सारे अपने मतलब एक ही डिजाइन है सबका, सब कुछ एक जैसा ही है। ये हेरिटेज रोड मतलब बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो मैकडॉनल्ड है, हाँ तो यहाँ पे जो मैकडॉनल्ड है वो बिल्कुल ही वेज है, और मैं आपको दिखाया था बाहर से भी, और बाकी यहाँ पर ना नॉन वेज मतलब चिकन वगैरह नहीं होता, तो वैरायटी थोड़ी सी कम है, वेज में है सारी चीज़ें, वही मैं आपको दिखाता हूँ। एक डोसा मसाला बर्गर भी है, सब चीज़ें हैं, सारा वेज ही, लेकिन हमने तो मैक आलू टिक्की लिया है हम तीनों ने। ये देखो ये मैकडॉनल्ड्स इकलौता है जो कि वेजिटेरियन है, बाकी सारे नॉन वेज वाले मतलब इसमें है ही नहीं कोई नॉन वेज के आइटम। अगर किसी को यहाँ पर आना हो तो ये है जीवन ज्योत गेस्ट हाउस, ये थोड़ा सा टॉप्स के बीच में बना हुआ है तो गेट थोड़ा छोटा है, वरना आपको व्यू तो मैंने दिखाया ही है। तो अब इस जगह को अलविदा कहते हुए और चलते हैं वापस। और आप लोगों का स्वागत है पार्ट के एंड में, गला थोड़ा सा ख़राब हो रखा है उसके लिए सॉरी, तो थोड़ी आवाज़ भी वैसे निकल रही है। बट हाँ मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा था कि मेरा जो ट्रिप बैठा है ओवरऑल कॉस्ट जो मेरी बैठी है वो बैठी है 1600 रुपीज़, जिसमें मैंने आना जाना रहना खाना पीना सब करा। वो कैसे करा मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो ये था पेटीएम से 180 की टिकट हमने कराई थी और शान पंजाब थी, और आने वाली जो थी वो हमारी थी करीब करीब कुछ 285 की। तो हमारा आने जाने की टिकट जो थी मतलब जो जाते हुए थी वो थी चेयर कार, और चेयर कार मतलब ठीक थी, कुछ ज़्यादा मतलब नीट एंड क्लीन नहीं कह सकते उसको, काफ़ी ज़्यादा क्राउड उसमें था और आते हुए भी हमें बहुत ज़्यादा क्राउड मिला आते हुए। तो आना जाना हमारा 475 में पड़ गया था और 1600 रुपीज़ का एक कमरा था, तो हमें एक ही रात को रहना था क्योंकि वाघा बॉर्डर जाना नहीं था, टाइम की थोड़ी दिक्कत थी, तो सिर्फ गोल्डन टेम्पल के लिए गए थे हम। और 1600 रुपये का एक दिन का किराया था, तो हम चार लोग थे तो 400 रुपये उसमें बढ़ गया। खाने के लिए अमृतसरी कुलचा खाया था, कुलचा 50 रुपये का एक था। और बेसिकली मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि जो ओवरऑल कॉस्ट बैठी है अमृतसर की वो मेरी 1600 रुपीज़ बैठी है, बाकी जो आप ऊपर से खर्चा करो तो वो आपके ऊपर है कि आप मिठाइयाँ ले रहे हो या कोई भी ऐसी स्पेशल चीज़ ले रहे हो जो दिल्ली में ना मिलती हो, तो वो आपके ऊपर है। बट मेन जो होता है वो रहना खाना होता है और घूमना होता है बेसिकली, बट जो नॉर्मल जो घूमने का किराया होता है वो हमारा इतना नहीं लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा बिल्कुल हेरिटेज स्ट्रीट पर ही था, तो गोल्डन टेम्पल भी पास था, जलियांवाला बाग भी पास था, तो कहीं जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।